واحتجب عن الأبصار بالعزته ولا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلو كنه عظمته الذي دل على ذاته بذاته جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار آج تقریر سے پہلے جو ذمہ دار افراد ہیں ریلے کے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ شام سے مسلسل مختلف مقامات سے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ دو دن سے ریلے صاف نہیں ہے, خصوصاً محمدی ڈیرہ جہاں لانڈی اور ملیر کے احباب اور خواتین جمع ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ ذمہ دار افراد اس بات کی نگرانی کریں کہ جو محنت کی جا رہی ہے وہ رائے گاہ نہ ہو. اس مجلس میں جو حضرات جمع ہیں ان کو علم ہے کہ کفران نعمت کے عنوان پر وہ تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں, اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کے متعلق مجھے بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کوئی مجتہدانہ انداز گفتگو نہیں ہے, بلکہ ایک ایسے طالب علم کے افکار کا نتیجہ ہے
जो मुसलसल काविशों कोशिशों सय फहम के साथ किसी नतीजे तक पहुंच रहा हो। इसलिए अगर किसी मकाम पर सुनने में समझने में और तस्करे को महफूज करने में कोई कोताही हो रही हो तो उस पर मुराजाव किया जाए, फिर तवज्जो दी जाए। कल यह गुफ्तगु थी कि कुरान मजीद के बाद अल्फाज का अंग्रेजी में तर्जमा नामुमकिन है। मेरे बाद अजीजों को यह गलतफहमी हुई कि मैंने यह कहा कि वो तर्जमा निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। मैं ये बतला रहा था कि कुरान मजीद वही रब्बानी है, मोजिजे की तहदीद लेकर आया है। हर आयत मोजिजा है, हर लफ्ज मोजिजा है, हर हर्फ मोजिजा है, हर हरकत मोजिजा है। और इस लिहाज से जिस पर तहदीद मोजिजा हो उसको दूसरी जबान में जाहिर करने की कोशिश करना वो तो अंग्रेजी है, उर्दू में नामुमकिन है। जो आपकी मादरी जबान है आप तर्जमा करके देखिए, अब तक सदा तर्जमे उर्दू के कुरान में आज के आ चुके हैं। क्या कोई ऐसा तर्जमा है जो अरबी की जगह ले ले? और फिर जरा देखिए कि आपकी उर्दू से अरबी के हुरूफ तहजी कितने कम है। पहली चीज तो ये कि फारसी के हरूफ नहीं मिलेंगे, पे चे ये गाव जो असल फारसी है, असल पहलवी है। उसके बाद टे होड़े डाल ये हरूफ आपको नहीं मिलेंगे। तो अब उसके बाद जो 28 हरूफ रह जाते हैं हमजा के साथ, ये 28 हुरूफ के कॉम्बिनेशन को देखिए, उसकी तरकीब को देखिए कि जहां लफ्ज बनाए मौजिजा बन जाए और जहां दो हर्फ ही लफ्ज रब पे बहस थी कि रब का तर्जमा कैसा किया। अजीब बात यह है कि अरबी वो जबान है कि जिसमें कवायद के एतबार से एक रूट है, एक रूट है, एक उसके लिए जड़ है, एक बुनियाद है, एक असास है, एक फाउंडेशन है। वहां से मुख्तलिफ इश्तिकाकात के साथ आप बराबर अल्फाज बनाए जाते हैं। अब्वाब के बदलने से जहां मानी बदल जाते हैं, जरा सा सरफो नहो पर नजर डालिए और उसके बाद दुनिया की किसी जबान को सामने लाइए कि जहां इस तरह रूट से लफ्ज चलाओ। सुनते हैं कि किसी जमाने में लातीनी जबान में यह रिवाज था, अब वह जबान भी बाकी नहीं रही अपनी असली हालत पर, मगर फिर भी यह दो तो हर्फ रब रब यानी रब की तारीफ कुरान ने क्या की, कुरान की रब की तारीफ सुनिए, रब नल्लज़ी आता कुल शयइन खल्क़हू सुम्मा हदा। सूरह ताहा, हमारा रब वो है कि जिसने हर शय को खल्क किया फिर हिदायत की, खिलकत भी हिदायत भी रब में। अब इसको लफ्ज लॉर्ड कैसे कैरी करे इस मैसेज को, कैसे कैरी करे? यानी कुरान कह रहा है कि रब के लिए खिलकत भी है हिदायत भी है, और हिदायत की मंजिल इतनी अजीब है कि ईसाल इलल मतलूब भी है, इरात तरीक भी है, हिफाजत भी है, जज्ब भी है, दफा भी है, बचा के आगे बढ़ाना भी है, महफूज करके मंजिल तक पहुंचाना भी है, ये सब हिदायत में है। अब
आपने फरमाने, तो ऐसी सूरत में ये कैसे कहा जाता है कि हम किसी लफ्ज को बेजिन से ही और बेआई नहीं उसके मानी व मफाहिम के साथ दूसरी जबान में ला लेंगे। इसी रब की तारीफ सूरह शुआरा इरशाद हुआ कि ऐ मूसा और हारून तुम दोनों जाओ फिरौन के पास, वकूला तुम दोनों मिलकर कहो इन्ना रसूला रब्बिल आलमीन कि हम दोनों रसूल हैं आलमीन के रब। आला फिरौनो मा रब्बुल आलमीन, फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन क्या चीज है, फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन क्या चीज है, तो अब रब की तशरीह ज़बान मूसा से सुनिए। बेअख्तियार मूसा ने कहा रब समावाती वल अर्ज़ी वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन, वो आसमानों का बनाने वाला है वो जमीनों का बनाने वाला है और जो कुछ उसमें है वो उसका खल्क करने वाला है अगर तुमको यकीन हो। قال لمن حوله الا تسمعون दरबारियों को देख के कहा सुन रहे हो, मगर मूसा रुकते नहीं। قال ربكم ورب آبائكم الاولين तुम्हारा पैदा करने वाला है तुम्हारे बाप दादा का पैदा करने वाला है। قال घबरा के इसने कहा ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون तुम्हारे पास जो रसूल आया है वो दीवाना है, मगर मूसा थमते नहीं। قال رب المشرق والمغرب ان كنتم تعقلون مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ رب المشرق والمغرب رب السماوات والارض ربكم ورب آبائكم الاولين یہ ایک رب میں کتنے معانی پنہا ہیں، اور پھر اسی رب کو جب دعا کی منزل پر تک گزار کر عام استعمال کے قابل کرتا ہے تو اس وقت بتلاتا ہے کہ ربوبیت کو پہچانو۔ कहा कि देखो अपने माँ बाप के लिए दुआ करना, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना और ये कहना रब्बिर हम हुमा रब्बी रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे रब उन पर दोनों पे रहम कर जैसा उन्होंने बचपन में अपनी रुबूबियत से मुझ पर करम किया था, यानी उनको पाला खिलाया हिफाजत की, माँ की निगाहें साथ साथ रहीं बाप मुहाफिज रहा, जिस तरह से उन्होंने अपनी रुबूबियत को मुझ पर सर्फ किया, यानी वो रुबूबियत हकीकी नहीं है वो मजहर रुबूबियत हकीकी है, उसने मुहाफिज बनाया एक सिलसिला बनाया तो वो कि जैसे उन्होंने मेरी परवरिश की, रब के माना परवरिश करने वाला रब बयानी सगीरा जैसे उन्होंने मेरी परवरिश की, यानी रुबूबियत का एक शायबा माँ बाप तक पहुंचाया। अब वो लॉर्ड कैसे कैरी करे जब रब पे यह गुफ्तगू है तो अल्लाह का क्या जिक्र, अल्लाह का क्या जिक्र, क्या बतलाऊं कि अल्लाह के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में क्या अल्फाज आए। क्या कोई लफ्ज ऐसा है जो उस माना को ले जा, फिर रहमान है फिर रहीम है फिर और उसके पूरे असमाए हुस्ना है, और फिर ऐसे बहुत से मकामात हैं कि जहां बड़े गौर व फिक्र की जरूरत है तर्जमे के तो ये कल अर्ज कर रहा था कि तर्जमा इस लफ्ज का नामुमकिन है या और ऐसे अल्फाज का नामुमकिन है दूसरी जबान में। दूसरी जबान को पढ़ते हैं इसीलिए कि कोई अरबी नहीं जानता हो तो वक्ती तौर पर समझ ले, मगर अरबी को कुरान की खुदाबंद अली आला ने मौजदा बनाया और सूरह यूसुफ 12वां सूरह अलिफ लाम रा
इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम तअक्लून, हमने अरबी में कुरान को नाजिल किया है इसीलिए ताकि अक्ल से काम लो। इससे अरबी दानी को लाजिम कर दिया। एक पूरी कौम पर अरबी को लाजिम कर दिया। यानी इस मौजूदे को अगर आप समझते तो आज अरब वर्ल्ड से कट कर न रहते। आज जबान के एतबार से आप किसी और मंजिल पर होते, आपका मसला कुछ और तरह से हल हो जाता। कुरान अरबियन, हमने अरबी में कुरान को नाजिल किया है, लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम अकल से काम लो। तो ऐसी मंजिल पर जहां कुरान मौजूदा हो, मौजूदे का तर्जमा कैसे होगा? सबसे पहले तर्जमा कुरान का दुनिया की जबानों में जब शुरू किया गया तो सबसे पहले तर्जमा वो लातीनी जबान में, वो तर्जमा मेरे पास मौजूद है वो। फिर उसके बाद इटालियन में लैंग्वेज, बरल जो भी तर्जमा है, आपको ताज्जुब होगा कि सिर्फ इसलिए कि उस मुल्क के रहने वाले ये समझ लें कि कुरान में क्या है, वरना तर्जमा असल के कैफ को खो देता है। तर्जमा कायल के मुद्दा को हटा देता है। तर्जमा मफहूम को कभी कभी नाकाबिले फहम बना देता है और आदमी समझ नहीं सकता कि तर्जमे में क्या है और असल में क्या है। यही कैफियत तौरात और इंजील से हुई। कल की तकरीर के बाद एक नौजवान अजीज ने एक बड़ा ही इंटेलिजेंट सवाल किया और वो सवाल इस काबिल है कि मैं आपके सामने दोहरा हूं। उन्होंने कहा कि अगर दीन मुसलसल है और नेमतें इतमाम पाई हैं, आहिस्ता आहिस्ता नेमत आ रही है, तो एक नेमत को दूसरी नेमत से या एक दीन को दूसरे दीन से कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं होना चाहिए, यानी अज़दाद नहीं होना चाहिए। शरीयत मूसा या शरीयत ईसा या शरीयत इब्राहिम जिद पर ना हो शरीयत मुहम्मदी के। तो मैंने कहा यकीनन ऐसा ही है। तो उन्होंने फिर कहा तो फिर आप ये कहते हैं कि बाइबिल ने मुशाहदे से रोका, तौरात ने मुशाहदे से रोका। मैंने कहा सही है, सही है, मगर हकीकत यह है कि बाइबिल हो या तौरात हो, कोई आसमानी सहीफा आज अपनी असली हालत पर बाकी ही नहीं है सिवा कुरान के। बहुत गौर से सुनिए, कोई आसमानी सहीफा अपनी असली हालत पर बाकी नहीं है। दूसरे बाइबिल, बाइबिल के दो हिस्से हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट है, एक न्यू टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट में जाहिर है कि हजरत ईसा के बाद ये न्यू टेस्टामेंट को लिखा गया। वो इंजील जो हजरत ईसा पर नाजिल हुई उसका पता ही नहीं है। ये जो लिखने वाले हैं चार हैं, आप पढ़िए, गौर से पढ़िए, इसलिए कि जाहिर है हमारे पास इतना वक्त नहीं है और अगर मेरा हाफिजा साथ दे तो 10 बरस पहले इसी इमाम बारगाह में एक ईसाई मुबल्लिग के एतराजात का जवाब देते हुए मैंने इन तमाम मसाइल पर वक्त वाहिद में गुफ्तगू की थी और यह बतलाया था कि बाइबिल चार हिस्सों पर मुनकसिम है और जाहिर है कि पहला हिस्सा उसका मैथ्यूज, जिसको मत्ती कहते हैं, मैथ्यूज, उसके 24 चैप्टर, 24 सूरे हैं, 24 बाब, और उसके बाद जाहिर है कि फिर मार्क्स है, ल्यूक्स है, जॉन है, चार हिस्से। ये चारों हिस्से हजरत ईसा के मरने के 100 बरस के बाद लिखे गए, 100 बरस के बाद लिखे गए। इसलिए लिखने वालों ने ये चाहा कि कहीं ये हमारी कौम ईजादात जदीदा और इनकशाफात असरिया में फंस कर कहीं खुद खुर्दगीरी और नुक्ताझीनी इस किताब पर न करे। तो उन्होंने हुक्म दिया कि लिखना पढ़ना बंद करो, तहकीक बंद करो। चुनाचे गैलीलो गैलीली को सजाए ताजियाना दी गई और एक इंसान को फकत इस बिना पर मौत की सजा सुनाई गई कि वो पीसा के टेढ़े टावर पर चढ़कर उसने ये आवाज दी थी कि दो पत्थर, एक कम वजन एक
बराबर एक ज्यादा वजन का अगर ऊपर से फेंका जाए तो दोनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। देखने वाले कहते थे नहीं, वजनी पत्थर पहले गिरेगा, कम वजन बाद में गिरेगा। मगर जब उसने फेंका, दोनों बराबर हो गए, उसको मौत की सजा दे दी गई कि तुमने यह तजर्बा कैसे किया। तो बात यह थी कि पापाइयत अपना होल्ड रखना चाहती थी, ईसाइयत अपने इख्तदार को बाकी रखना चाहती थी, तौरात और इंजील के अलमबरदार ये चाहते थे कि दुनिया कभी हमारे पंजे से निकल के बाहर ही न जाए। ऐसी मंजिल पर उन्होंने जिस तरह से चाहे तर्जमे किए और जितनी आयतों को चाहा अपनी तरफ से बढ़ा लिया। मगर कुरान चूंकि महफूज हालत में है, इसलिए कुरान बराबर मुशाहिदे की दावत दिए जा रहा है और ऐलान पे ऐलान किया जा रहा है कि सारी कायनात पे कब्जा कर लो, हमारी खुदाई में कमी नहीं होती। हमारी खुदाई में कमी नहीं होती, तुम कब्जा करो। सक्कर लकुम माफिस समावाती व माफिल अर्ज, तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया, तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया है जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ आसमानों में, तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया, ले लो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम कुव्वत रखते हो, इख्तदार रखते हो। मगर ये कि वो अकबर आबादी, अकबर अलहाबादी की रुबाई भी याद है जो मैंने शायद यहां किसी तकरीर में आपको सुनाने की कोशिश की थी। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, लाजिम है गुब्बारों पर उड़ो, चरख पर झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज कर रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, तो शौक से आप सारी कायनात को देख डालें, मुशाहिदा करें, देखें कि एक एक अंसुर में क्या है, एक एक एलिमेंट में क्या है, एक एक जर्रे में क्या है, कितने एटम्स हैं और एटम्स की हरकतें क्या हैं। जाहिर है कि उससे खुदाई पे क्या हर्फ आ रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखा, प्रोटॉन्स को देखा, न्यूट्रॉन्स को देखा, न्यूक्ले को देखा, उसकी बरकी कुव्वत को देखा, उसकी हरकत को देखा, तो और ज्यादा आप तौहीद से करीब हो गए। इसलिए कि कायनात में आपको हरकत नजर आई। तो बाइबिल पर गुफ्तगू थी, बाइबिल के एक हिस्से पर गुफ्तगू को खत्म हो जाना चाहिए। और जाहिर है कि मैं माजरत के साथ अपनी उस 10 बरस पहले की तकरीर के एक हिस्से को रिपीट कर रहा हूं। यह छठा बाब है मार्क्स का, पहला हिस्सा बाइबिल का, जिसके 24 चैप्टर, इसका छठा हिस्सा। इसमें एक दुआ है और वो दुआ आज हर क्रिश्चियन को पढ़नी पड़ती है। लाजिम है कि रात को सोते वक्त अगर वो क्रिश्चियन हो तो घुटनों पर खड़े होकर वो दुआ पढ़े रात को सोने से पहले। जाहिर है कि वहां रुकू और सुजूद की तो बातें नहीं है, वहां तहारत का तो तस्करा नहीं है। और जाहिर है ये गुफ्तगू बे वक्त है कि जहां तहारत जाहिरी नहीं वहां तहारत बातिनी क्या है। यह गुफ्तगू बे वक्त है, मगर इसके साथ ये कि उसमें एक दुआ। अब उन अल्फाज को देखिए और उसके बाद जरा आप अपनी मौजज़ाना उस कैफियत को देखिए कि जिसको आप कबूल कर रहे हैं, और उस मौजज़े को देखिए जो आप पे नाजिल हुआ। दुआ यह है, अवर फादर दो आर्ट इन हेवंस, दाई किंगडम कम, Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our debts as we have forgiven our debtors. So, ek aaj jumla, uske baad Ameen, A-M-E-N. Ye Injil mein hai Ameen. कुरान में नहीं है, कुरान पूरे कुरान में नहीं है। आपने देखा कि हमने कहां से इन्फ्लुएंस लिया है।
जुज़्व सूरा नहीं हो सकता। इसके लिए अहकाम अलहदा हैं। तो आमीन, AMEN, यानी हर क्रिश्चियन दुआ करेगा। अब मैं तर्जुमा करूं, हमारे बाप, अब देखिए, रब, अल्लाह, रहमान, रहीम, ये सारे अल्फाज रब्बुल आलमीन और फिर जितने उसके अस्माए हुस्ना है, उन सारे अस्मा के लिए एक ही लफ्ज ज़हन में आया, वो जिसको मैं अभी इशारा कर चुका था, कमा रब्बयानी सगीरा। तो महसूस था बाप, महसूस था बाप चाहने में, हिफाजत करने में, परवरिश करने में और बज़ाहिर खल्क करने में महसूस था। तो उस महसूस को ले लिया और माकूल की बारगाह में पेश किया। अवर फादर, हमारे बाप, दो आर्ट इन हेवन, तू तो आसमानों में है। दाई किंगडम कम, तेरी हुकूमत कायम होगी, दाई विल बी डन, तेरी मर्जी चलेगी, इन द अर्थ, जमीन पर भी चलेगी, एज इट इज इन हेवन, जैसे वो आसमानों में है। आपने देखा, वो आसमानों में है, तेरी मर्जी अब जमीन पर चलेगी। या मूसा कह रहे हैं रब्बुस समावाती वल अर्ध, और यहां कुरान कह रहा है रब्बुल आलमीन। तो इन्होंने महदूद किया आसमानों तक, आसमानों तक। और फादर, द वॉट इन हेवन, द किंगडम कम, द विल बी डन इन द अर्थ एज इट इज इन हेवन, गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड, आज के दिन की रोटी तो दे दे, अवर डेली ब्रेड। देखिए, कोई इसका मफहूम है मजाजी ही नहीं है, सिवाय इस माना के, आज का रिस्क दे दे, ब्रेड, रोटी दे, आज की रोटी दे। तो वो रोटी यूरोप को नहीं मिली, और एक मर्तबा मार्क्स ने खड़े होकर पापाइयत के मुकाबले में कहा, ये तुम्हारे इंजील की दुआ है कि तुम कहते हो रोटी दे और रोटी वो नहीं देता है, इसलिए कोई रोटी देने वाला नहीं है, इसलिए इश्तराकियत रद्द अमल है इस मस्क शुदा बाइबल का। ये जो रद्द अमल है वो इसलिए है कि रोटी मांगी, रोटी नहीं मिली। आप दुआ कर रहे हैं, गिव अस दिस डे अवर डेली ब्रेड, आज की रोटी दे दे, एंड फॉरगिव अवर डेट्स, और हम जो कर्जदार हैं तेरे उसको माफ कर दे, इसलिए कि हमने अपने, हमसे जिन्होंने कर्जा लिया है हमने उनको माफ कर दिया, और हमको टेम्पटेशन से बचा। आमीन। यह दुआ हर रोज पढ़ी जाती है, और आप पांच वक्त क्या पढ़ रहे हैं, यह मेरा उन्वान शुरू हो रहा है, आप पांच वक्त क्या पढ़ रहे हैं, आपने पहले जुमले की रद्द की, अवर फादर द वॉट इन हेवन, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर उसके बाद रब्बुल आलमीन को आपने समझाया, और रहमान जो नमरूद को भी पाले, इब्राहिम को भी पाले, मूसा को भी पाले, फिरौन को भी पाले, मुशरिक को भी पाले, मुवहिद को भी पाले, जो मोमिन और मुनाफिक सबको अपने खाने करम से शेर होने का मौका दे। रहमान रहीम वो जो मोमिन को अमल देख के बदला देता जाए कि ले ये तेरा अमल है, ये रहमान है, ये रहीम है, ये बेनिफिशियंट और मर्सीफुल में कैसा आप कैरी करेंगे इस सेंस को। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بہت غور سے سنیے, مالک یوم الدین یعنی آپ ایک مرتبہ مبدا سے آپ نے شروع کیا معاد تک پہنچ گئے, یوم الدین کا مالک ہے, یوم الدین کا مالک ہے, یہاں سے وہاں تک تو ہی تو, آغاز تو, انجام تو, ابتدا تو, انتہا تو, اول تو, آخر تو, ظاہر تو, باطن تو, مالک یوم الدین, دین کا مالک ہے, حساب کا مالک ہے, یہ مبدا ہے, یہ معاد ہے. اگر اب کسی کا مبدا مادہ ہے تو اس کا معاد بھی مادہ ہے, سڑے گا, گلے گا, ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا, اور اگر کسی کا مبدا مرضی مولا ہے تو اس کا معاد بھی مرضی مولا ہے. تو مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, عبادت اور استمداد, مدد کا طلب کرنا تجھی سے. اب اس کے بعد آپ روٹی نہیں مانگتے, اب مانگنے کا وقت آیا, پورے قصیدے کے بعد, پوری تعریف کے بعد, پوری توصیف کے بعد, تب آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت کر, آج کی روٹی نہیں. تو اب مسلمانوں میں کیوں مارکس پیدا ہو, اب مسلمانوں میں کیوں رد عمل آئے جب یہ معجزہ موجود ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت, اور اس کے بعد میرا عنوان پروردگار ان کا راستہ, ان کا راستہ. تب آئیے پھر مفہوم نعمت کو شروع کر دیں, یہ گفتگو یہاں تک تھی اور تمہیدی گفتگو تھی. مفہوم نعمت کیا ہے؟ اب دیکھیے مفہوم نعمت اگر دولت ہے, اگر مفہوم نعمت تونگری ہے, اگر مفہوم نعمت اعلی مکانات ہے, سجے ہوئے محل ہیں, شاداب زمینیں ہیں, تو کیا آپ یہ مانا لیں گے کہ پروردگار ان لوگوں کا راستہ بتلا جو زیادہ تونگر ہے, جو زیادہ دولت مند ہے؟ پروردگار ان گھرانوں کا راستہ بتلا جن کی دولت مشہور ہے, کیا یہ مطلب ہے؟ نعمت کا مفہوم یہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. صراط مستقیم بتلا, صراط مستقیم بتلا, اور طلب میں تخصیص دیکھیے, میں لفظوں پر غور کیجیے, استہدا, یعنی آپ جو طلب کر رہے ہیں ہدایت کو, استہدا خصوصی دیکھیے کہ مان تو رہا ہوں صراط مستقیم پر ہدایت, مگر ان لوگوں کا راستہ بتلا جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا, ان کا نہیں راستہ جن پر تیرا غضب ہو, جو گمراہ ہوں, ضالین ختم ہے, آمین دل سے ہے. اس میں تو نہیں ہے, سورہ میں تو نہیں ہے, قرآن میں نہیں. اس بات سے اب یہ ایک اور بات ہے کہ کوئی کرامت کو طلب کرنے کے لیے, عنایت الہی کو طلب کرنے کے لیے اپنی طرف سے دعا کرے, اعتراض نہیں ہے مجھے, ہر ایک کا اپنا شعار ہے, جیسا کہ میں کہتا ہوں یہ فروعی مسائل ہے, مگر بتلا رہا ہوں قرآن میں نہیں ہے, جزو قرآن نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا, نعمتوں کو نازل کیا, دولتیں دنیا کی نہیں, دولتیں دنیا کی نہیں, نہیں. اس جملے کو پھر ایک مرتبہ قابل غور بنا دیجیے اور پھر سوچیں کہ کیا کسی کو دولت دنیا ملی تو اس کو نعمت نہیں کہیں گے؟ کہیں گے.
कहेंगे, उस वक्त कहेंगे जब तकर्रुब इलल हक में ये दौलत सर्फ हो। अल माल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दोनों हयात दुनिया की जीनत है, मगर वल बाकियात सालिहात ये बाकी रहने वाली नेकियां भी हैं। तो अब नेमत की तारीफ सुन लीजिए और ये याद रखिए, ये तीसरी तकरीर आप मेरी सुन रहे हैं। नेमत की तारीफ ये है कि मबदा से जो चीज आपको करीब कर दे वो नेमत है, मबदा से जो चीज आपको करीब कर दे वो नेमत है, मर्ज़ी या मौला से जो चीज आपको नजदीक कर दे वो नेमत है, माल करीब कर दे नेमत है, औलाद करीब कर दे नेमत है, आपकी इबादतें आपको करीब कर दे नेमत है, दादो दहेज करीब कर दे नेमत है, मर्ज़ी या मौला से जो चीज आपको करीब कर दे, आपके पांव उसकी राह में चले नेमत है, आपके हाथ उसकी राह में उठे नेमत है, आपका दिमाग उसकी राह में सोचे नेमत है, जो चीज मर्जी मौला से करीब कर दे वो नेमत है, और जो चीज मर्जी मौला से दूर कर दे वही सांस वही दौलत वही औलाद वही मकान या निकमत है। कल की गुफ्तगू आपको याद है, नेमत की जिद निकमत, यानी आपने सांस खींची मर्जी मौला में है नेमत, और खिलाफ में मर्जी मौला है वही सांस उसकी नौयत बदल गई, अब वो निकमत है, अब वो काबिले अजाब है, अब वो मोहलत है। अब गिना जा रहा है कि कितनी सांसें खींची हैं गुनाहों में, कितनी सजा इसको मिलनी चाहिए। तो आपने देखा जो नेमत है वही अगर बुनियाद उसकी बातिल हो जाए तो वही नेमत निकमत है। तो इसलिए कहा दुआ में, दुआए कुमैल में, या सरी रिजा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फइन्नका फ़ऊलुन लिमा तशा यौमन इस्मुहु दवाउन व ज़िक्रुहु शफा وطاعته غنى ارحم من راس مولاه الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم اے نعمتوں کو فراما دینے والے اور اے نقمتوں کو دفع کرنے والے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تیری بارگاہ میں پہنچنے کا بجز دعا کے مجھ پہ رحم کر मुझ पर रहम कर। और सारी दुआएं कुमैल जहां खत्म हुई तो अब एक बात और सुन लीजिए, ज़ियारत जामिया का भी यही हाल है, ज़ियारत जामिया के आगाज में भी यही है अंजाम में भी यही है। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मौज़े अर-रिसाला व मुख्तलफ अल मलाइका व महबत अल वही व कुज़ान अल इल्म व मादन अल इल्म। और उसके बाद आपने कहा व क़ौदत अल उमम व औलिया अन्नियम, सलाम हो तुम पर आए नेमतों के वाली, आए नेमतों के साहिब, आए नेमतों के मालिक, आए नेमतों के मुख्तार, इस घराने पे मेरा सलाम हो। क़ौदत अल उमम, तुमने क़ियादत की है उम्मतों की। व औलिया अन्नियम, आपको मालूम है किसी गुज़िश्ता ज़माने में जब तक शाही थी बादशाह को वली ये नेमत लिखते थे कि वली ये नेमत का ये हुक्म आया, मगर ये लफ्ज का सही अर्थ है क्या, अहले बैत नबुव्वत तुम औलिया ए नियाम हो। और जहां ज़ियारत जामिया खत्म हो रही है वहां भी ये जुमले हैं, बेमुवालातकुम तम्मतिल कलिमा व अज़मतिन नेमा, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से कलिमा तमाम हो गया। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से कलिमा तमाम हो गया, वो अजमत ही नेमा, और नेमत अपनी अजमत पे पहुंच गई। बेमवाला उसे कुम तम्मत कलिमा वो अजमत ही नेमा, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से कलिमा तमाम हुआ और नेमत अपने अजमत पर पहुंची। वो अजबग अलैकुम नेमा हु जाहिरतम व बातिनतन,
अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमतों को नाजिल किया है, उसमें जाहिरी नेमतें भी हैं, बातिनी नेमतें भी हैं। जाहिरी नेमतें भी हैं, बातिनी नेमतें भी हैं, और इस तरह से दोनों जाहिर और बातिन मिलकर अगर रहे मौला में सर्फ हो जाएं, तो वो सर्फ नेमत है, और नहीं रहे मौला से हट जाएं तो वो निकमत है। नून काफ मीम ते, नेमत की जमा नेम, निकमत की जमा निकम। नेमत के माना अता, निकमत के माना सजा। वही सांस जो अता है वही दावत सजा भी है। अगर गलत सर्फ हो, अगर गलत सर्फ हो, इस मंजिल पर पहुंच गए, इस मंजिल पर पहुंच गए, अब आइए उसी मकाम के जहां कहो यारफून नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा। यह सूरह नहल की आयत कल पेश कर रहा था और उसी मकाम पर हूं। यारफून नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, वो अक्सर हुमुल काफिरून। अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं कि कौन कौन नेमत बना हुआ है, जानते हैं कि कौन कौन नेमत बना हुआ है। सुम्मा युनकिरूना, फिर भी इनकार है। क्यों? वो अक्सर हुमुल काफिरून, उनकी अक्सरियत काफिर है। तो जाहिर है कि जहां जहां खुदा के वजूद का इनकार किया गया वो अक्सरियत है ना, मुसलमानों के मुकाबले में तो वो अक्सरियत। एक तरफ 64 करोड़ हैं, एक तरफ 45 करोड़ हैं, कुछ और हैं, कहीं कहीं जिस जिस मकाम पे आप गिनते जाइए, देखते जाइए, पता चलेगा कि जहां मादियत है वहां दहरियत है, जहां दहरियत है वहां इनकार है, सानें है इस बात सानें नहीं है। तो ऐसी मंजिल पर अक्सरियत का फिर कोई गुस्सा क्यों हो, कोई बिगड़े क्यों, क्या किस अक्सरियत की तरफ इशारा है? भाई अक्सरियत तो उनकी है ना जो खुदा को नहीं मानते, कोई दूसरा क्यों परेशान हो? यारफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, आरिफ हैं। ऐसा नहीं है, अकल दी है, दिमाग दिया है, दिल दिया है, हवास दिए हैं, हवास जाहिरी दिए हैं, हवास बातिनी दिए हैं, रसूल भेजे हैं और बतलाया है कि यह नेमत है, ये नेमत है। अगर किसी ने किसी को मकाम तारुफ पर बुलंद करके ये बतलाया हो कि नेमतें इस तरह नाजिल होती है तो दुनिया ने पहचाना था। दुनिया ने पहचाना था। और इसके बाद अगर इनकार कर रहे हैं यारफूना नेमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, और फिर इनकार कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है, उन्हीं पर है। इसलिए कि वहां मसला जबर का नहीं है, जबर का नहीं है, किताब कुरान मजीद किताब इल्म अमल है, किताब फर्ज व तकदीर नहीं है, या इल्म है अमल की दावत है। वादे कर दिया कुरान ने कि हमने किसी मंजिल को तशना नहीं छोड़ा। ये नेमतें हैं जो हम दे रहे हैं, ये नेमतें हैं जो हम दे रहे हैं। अगर ये नेमत न हो, ये नेमत न हो, तो अपने आप को जांचो कि मुकाम क्या है आपका। अब जहां जहां भी तारीख इस्लाम में ये नाम आए उनको हटाते जाइए और फिर देखिए इस्लाम क्या रह जाता है उस नेमत के बगैर। दावत अजूल अशीरा वंजिर अशीरा तक अकरबीन, जाओ हबीब हमने महफूज किया, ये बेसत की मंजिल है, बेसत की मंजिल है, नेमत मौजूद है, आवाज दो, कोई है मदद करने वाला? अगर तुम्हारी आवाज पर कोई आवाज न दे और तारीख इस्लाम अगर उस आवाज को जब्त न करे, तारीख इस्लाम अगर उस आवाज को जब्त न करे।
उसके माना यह है, उसके माना यह है कि अल्लाह की नेमत को पहचान के इनकार कर रहे हैं। तुम मयून करू ना, फिर इनकार कर रहे हैं। क्या रह जाएगा दावत जुलशीरा में? क्यों बुलाया था जब कोई जवाब देने वाला ही नहीं? क्या रह जाता है हिजरत की रात अगर बिस्तर पे कोई ना हो? अगर बिस्तर पे कोई ना हो तो क्या रह जाता है? वही तर्जमा आपको अंग्रेजी में मिलेगा, द फ्लाइट फ्रॉम मक्का। हिजरत का तर्जमा है द फ्लाइट फ्रॉम मक्का। क्या वाकई हिजरत का तर्जमा फ्लाइट है? रसूल भाग गए। अरे बिस्तर पे कोई ना होता तो भाग गए। नफ्स को छोड़ा है, नफ्स को बिस्तर पे, अब हिजरत है, फ्लाइट नहीं है। तो ऐसी मंजिल पर दावत जुलशीरा माइनस अली क्या रहेगा? और शब हिजरत का बिस्तर माइनस अली क्या होगा? और फिर इसी तरह देखते जाइए, बद्र, ओहद, खैबर, खंदक, हुनैन, फतेह मक्का, नुज़ूल आयात सूरह बरात, यहाँ इन तमाम मंजिलों से नेमत को हटा के तो देखिए। बहरहाल तारीख इस्लाम अजीब कठिन मंजिलों से गुजर रही है, और अगर यह तारीख कम से कम दूसरों ही के सहारे लिखी जाती और रोमन एम्पायर के उरूज और जवाल के लिखने वाले से अगर दावत जुलशीरा को नकल किया जाता तो शायद ये अल्फाज उनको याद रहते कि जब रसूल ने पूछा था कोई है मेरी मदद करने वाला, ए प्रोफाउंड साइलेंस फेल अपॉन द होल असेंबली अंटिल द यंगेस्ट ऑफ देम ऑल अली क्राइड आउट विद ज़ील, आई प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आई विल हेल्प यू। मगर इसका तर्जमा भी पसंद नहीं किया गया तारीख इस्लाम में, इसका तर्जमा भी तारीख इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। और अब तारीख इस्लाम जिस धारे पर जा रही है वो आज आपकी तवज्जो की मोहताज है। कल सेंट जोसेफ की एक लेक्चरर तारीख इस्लाम का दर्स देते हुए बीए पार्ट वन में इतनी जुरात के साथ ये कह रही है कि अली की कुल औलाद तीन अफराद पर मुश्तमिल है, हसन, हुसैन, मोहम्मद हनफिया। लड़कियों ने एतराज किया, क्या आपने अब्बास का नाम नहीं लिया और अब्बास के भाइयों का? कहा वो उनकी औलाद नहीं है। कहा आप गलत कहती हैं। कहा हमको तारीख इस्लाम पे ज्यादा उबूर है, हमको तारीख इस्लाम पे ज्यादा उबूर है, और आप नहीं समझते तारीख इस्लाम। उन्होंने कहा करबला के वाकये में अब्बास थे, उन्होंने कहा करबला का वाकया तारीख इस्लाम नहीं है। क्या यह मकाम प्रोटेस्ट का नहीं है? क्या मकाम एहतजाज का नहीं है? जाहिर है हमने एहतजाज किया, हमने एहतजाज किया और यकीनन वो एहतजाज कामयाब होगा। मगर ये बतलाना ये है कि अगर हमारी तारीख पढ़ाते हो तो हमसे पूछ कर पढ़ाओ। अगर आप नहीं समझती हैं तारीख को और आपने कहीं से नहीं सुना है तो जाहिर है कि उसको हमसे पूछ लो, इसलिए कि जाहिर है आपने तफरीक कर दी। अब अली आपके नहीं है, अली हमारे। देखिए तारीख इस्लाम इस तरह से पढ़ी जा रही है, इस तरह से लिखी जा रही है। मगर एक और बात, इसी तारीख इस्लाम
अगर इन्हीं मदारिक और इन्हीं माकिस से मैं पढ़ना शुरू कर दूं कि इस तारीख में क्या क्या है, तो इतने तारीख पहलू नजर आएंगे कि दुनिया की आंखें खुल जाएंगी कि क्या यह भी इस्लाम है। इस वास्ते कि आपने इस्लाम की तारीख और मुसलमानों की तारीख में कोई फर्क नहीं रखा। आप मुसलमानों की तारीख को इस्लाम की तारीख कह रहे हैं, और फिर जहां इस्लाम की तारीख हकीकत में है उसको आप कह रहे हैं क्या वाकई करबला को इस्लाम की तारीख से क्या ताल्लुक। तो जाहिर है कि अगर इस्लाम की तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है तो इस्लाम की तारीख माइनस करबला। माइनस करबला क्या रह जाता है इस्लाम? अगर करबला ना हो तो इस्लाम क्या है? दो हस्तियां हैं, फिर गौर से सुनिए, दो हस्तियां हैं जो मुकाबिल पर हैं। अभी अभी शाम के 5 बजे मैंने एक अहम तकरीर की है और उसके जुमले दोहरा रहा हूं। दो हस्तियां हैं जो मुकाबिल पर हैं, एक ज़ाते हुसैनी है, एक शाम का सरदार है। दो मुकाबिल पर हैं। इस वक्त हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह पैदा नहीं हुए हैं, वो 80 हिजरी में पैदा होंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पैदा नहीं हुए, वो 90 हिजरी में पैदा होंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा नहीं हुए, वो 150 हिजरी में पैदा होंगे। इसी तरह से इमाम अहमद इब्ने हंबल तो सबसे आखिर में है, इमाम हसन अस्करी के हमअसर हो जाते हैं। मुहद्दिसीन सब बाद में आए, मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी 256 हिजरी, हजरत मुस्लिम ने हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह 261 हिजरी। तो मुहद्दिसीन और फुकहा सब बाद में करबला 50 बरस का फर्क, 60 बरस का फर्क, 100 बरस। ऐसे ही मंजिल पर अब दो ताकतें टकरा रही हैं। इसमें जो ताकत दब जाए, जो ताकत उभर जाए, उसी का गलबा रहे, उसी का गलबा रहे। ऐसे ही मंजिल पर हुसैन ने सजदा कर दिया, हुसैन ने सजदा कर दिया और बतलाया कि डूब कर पार उतर गया इस्लाम, आप क्या जाने करबला क्या है। डूब कर पार उतर गया इस्लाम, आप क्या जाने करबला क्या है। हुसैन इब्ने अली के एक सजदे ने वक्त की सियासत को बदल दिया, हाकिम की दौलत को जुमूद आया। हुसैन का खून सयाल था, वो मौज मारता हुआ आगे बढ़ा, कूफा, कूफे से शाम, शाम से मदीना, और दर बदर फिरने की इजाजत बहनों को दी इसीलिए ताकि दुनिया जान ले कि हम मुकाबिल पर हैं। और इस मंजिल तारीख इस्लाम में अगर करबला न हो तो फिर अब कोई करबला का हवाला न दे, अब कोई करबला का हवाला न दे। जब तारीख इस्लाम का कोई जुज ही नहीं है, जाहिर है तारीख बादशाहों के चश्मो अबरू की गर्दिश पे लिखी जाती है, जाहिर है कि तारीख के लिखने के लिए हुकूमत वक्त अपने आदमी को मुकर्रर करती है कि अपनी मर्जी के मुताबिक तारीख लिखी जाए। जाहिर है कि हमीद इब्ने मुस्लिम तारीख नवीस मौजूद है, और हमीद इब्ने मुस्लिम जैसा तारीख नवीस कसम खा के लिखता है कि सुबह आशूर से आन मोहम्मद को मैंने देखा, निकले खैमे से, निकले लाशें आई, कोई बीवी बाहर नहीं आई। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, हमीद इब्ने मुस्लिम लिखता है कि कासिम आए, जंग की लाश आई, कोई खेमे का पर्दा नहीं उठा, बीबियों के रोने की आवाज आई, अली अकबर की लाश आई, खेमे से कोई बीबी एक निकली मगर हुसैन ने वापस कर, मगर हमीद इब्ने मुस्लिम कसम खा के कहता है जब अब्बास की सवारी का वक्त आया
یہ آپ کا تاریخ نویس ہے اور اس تاریخ نویس کے بعد مروان ابن حکم کی تاریخ ہے کہ میں نے ناموس علی اور مادر ابو الفضل ام البنین کو جنت البقیع میں روتے ہوئے دیکھا ہے جو یہ کہہ کے روتی تھی کہ عباس اگر تیرے ہاتھ نہ کاٹے جاتے میرا حسین شہید نہ ہوتا یہی وہ عباس یہی وہ عباس ہیں قرآن مجید نے کہا اگر باتیں سمجھ میں نہیں آئیں قل سیرو فی الارض ارے زمین میں سیر کرو آثار کو دیکھو نشانیوں کو دیکھو فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں چلو کربلا چلو دیکھو حسین کہاں ہے عباس کہاں ہے اس منزل کو دیکھو جاننے کی کوشش کرو اور اگر نہیں تو متقدمین سے پوچھو کہ علی کی اولاد کتنی ہے اور پھر نصابہ علماء سے پوچھو کہ علی کی نسل حضرت عباس سے کیسی پھیلی ہے ان کی نسل میں وفا آئی ہے امام زین العابدین ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے سارے فقہا و محدثین موجود تھے حدیث بیان کر رہے تھے ایک نوعمر صاحب زادہ آیا امام تعظیم کو کھڑے ہو لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول آپ اور اس بچے کی تعظیم کہا یہ چچا عباس کا بیٹا تم کیا جانو عباس کو تم کیا جانو عباس کو حضرت سید الساجدین امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ منزلت عباس کیا ہے امام صادق محمد ابن بابہ قمی راوی ہیں کہ منزلت عباس کیا ہے یا فرمایا منزلت عباس یہ ہے کہ جب عرصہ محشر گرم ہوگا اور ختمی مرتبت کرسی پر سے بار بار بے چین ہو کر ہر طرف دیکھتے ہوں گے اور پوچھنے والے پوچھتے ہوں گے اللہ کے رسول کس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہوں گے میری بیٹی زہرا نہیں آئی فاطمہ نہیں آئی اب تک کہا جائے گا وہ سواری آ رہی ہے تو استقبال کے لیے رسول جائیں گے پردہ محمل کو الٹیں گے اور کہیں گے زہرا جلال کو چھوڑ دو زہرا غصے کو چھوڑ دو زہرا آج داد خواہ بن کرنا زہرا امت کی شفاعت منظور ہے بتاؤ شفاعت کا سامان کیا ہے تو ایک مرتبہ آغوش سے دو کٹے ہوئے ہاتھ نکال اور امام کے الفاظ یہ ہیں وکفانا للشفاء یدان مقطوعتان لولدی العباس بابا ہمارے لیے شفاعت کے لیے کافی ہے ہمارے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہیں خوش ہیں